दरबारा नगर परिषद की ओर से संचालित धर्मशाला का जीर्णोद्धार कार्य कराया गया, जिसमें विधायक पानाचंद मेघवाल, जिला प्रमुख उर्मिला जैन भाया, सभापति ज्योति पारसर ने लोकार्पण कर आम जनता को समर्पित किया। आपको बता दें कि धर्मशाला लंबे समय से जीर्णोद्धार हो रहा था, ऐसे मरम्मत के लिए नगर परिषद ने 56 लाख रुपए का बजट पारित कर जीर्णोद्धार करवाया, साथ ही नए कमरों का निर्माण करवाकर जनता को समर्पित किया गया है। दूसरी ओर विधायक पानाचंद मेघवाल और जिला प्रमुख उर्मिला जैन ने सीएमएचओ कार्यालय से हरी झंडी दिखाकर 5 एम्बुलेंस को भी रवाना किया। इस दौरान नगर परिषद उपसभापति नरेश गोयल, सीएमएचओ संपत राज नागर समेत पार्षद मौजूद रहे। राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री सम्मान यशस्वी गहलोत साहब की जो सोचे कि निरोगी राजस्थान में जो सपना उन्होंने देखा बजट में कहा है कि राजस्थान के 7.5 करोड़ लोग जो है वो मेरे परिवार के सदस्य और उनको निरोगी रहना मेरी जिम्मेदारी है, और स्वास्थ्य के प्रति जिस प्रकार से पिछले 3.5 साल में जो राजस्थान में काम किया, चाहे वो मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना की बात करें, निःशुल्क दवा योजना की बात करें, CSC खोलने की बात करें, PSC खोलने की बात करें, या 12 जिला मेडिकल कॉलेज खोलने की बात करें, या हमारे विधायक कोष में जो पहले 2.25 करोड़ रुपये हुआ करते थे उसको बढ़ाकर 5 करोड़ रुपये करके उसमें से 1 करोड़ रुपये मेडिकल सेक्टर में देने के लिए पाबंद करने की बात हो, ये सारी चीज़ों को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी की जो सोच है कि वो हिंदुस्तान में एक ही अलग राजस्थान का निर्माण कर रहे थे। मैं विधायक महोदय पानाचंद जी का धन्यवाद देना चाहूंगी, माननीय CM साहब का धन्यवाद देना चाहूंगी, जो आपकी सोच कि पहला सुख निरोगी का आया उसके तहत कि मेरे पूरे राजस्थानवासी स्वस्थ रहें और प्रसन्न चित रहें, उसके लिए आपने आज 5 एम्बुलेंस यहाँ पे दिए, 2 तो अट्टू और 12 ब्लॉक स्तर पे दिए, तो उसमें उस एम्बुलेंस के माध्यम से कहीं भी कैंप लग जाएगा उसमें मेडिसिन वगैरह डॉक्टर सब अवेलेबल रहेंगे, वहीं तुरंत उनका इलाज हो जाएगा। 3 एम्बुलेंस उन्होंने अपने गांव ग्रामीण क्षेत्रों में दिए, मौटपुर, सकतपुरा, जहाँ एम्बुलेंस नहीं है वहाँ पे, ताकि कोई भी बेचारा गरीब है तो उसको किराए के एम्बुलेंस करके नहीं जाना पड़े और ये एम्बुलेंस से